नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर, और साथ में खास करके चांदी पर खास तौर से बात होगी, क्योंकि सिल्वर इंस्टीट्यूट की 2024 को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसके बाद अब कई तरह के सवाल निवेशकों के मन में, ट्रेडर्स के मन में है कि चांदी की चाल किस तरह की रह सकती है। इस रिपोर्ट के जरिए क्या इन्वेस्टमेंट का नजरिया बनाना चाहिए, क्या अपने निवेश में बदलाव करना चाहिए, आज तमाम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सिल्वर पर खास तौर से कवर करेंगे। सिल्वर को हमारे साथ तीन मेहमान हैं। चिंतन मेहता हैं हमारे साथ, अवांस होल्डिंग्स के सीईओ हैं और बुलियन मार्केट को ये खास तौर से ट्रैक करते हैं, गोल्ड सिल्वर के मार्केट को काफी क्लोजली ये ट्रैक करते हैं, इनसे समझेंगे। चिंतन मेहता, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, आप पूरे साल के लिए चांदी का क्या टारगेट देख रहा है, आपको भी लगता है कि दूसरी छमाही चांदी के लिए बेहतर रहने वाली है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, पूरा साल, क्योंकि एक रीजनेबल एस्टीमेशन देना बहुत पॉसिबल होता है। तो अगर आप देखोगे तो फेड में जैसे उन्होंने कहा, हर एक मेंबर जो धीरे धीरे कहता आ रहा है कि मार्च में रेट कट पॉसिबल नहीं है, बट 3 रेट कट आ सकते हैं जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हो सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है प्रेशियस मेटल या फॉर दैट मैटर ऑल अदर असेट क्लास, है ना। तो ये चांदी यहां से जो कि आप बहुत काफी नीचे के लेवल पे मिल रही है, जहां पे ये वैल्यू बाइंग बन रही है, तो इनको बहुत फायदा हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो ये इंटरेस्ट रेट है वो उसको बहुत हिट कर जाएगा और बहुत बेनिफिट दे देगा। दूसरा, अगर आप डिमांड सप्लाई के साइड से देखो तो चाइना में अभी ये $2.80 प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और इंडिया में भी बहुत अच्छी खरीदारी हम देख पा रहे हैं। बीइंग अ फिजिकल ट्रेडर इट एबिन्स, वी आर ऑलरेडी सीइंग दैट द ग्रेट डिमांड, यानी लोगों को ये रेट इतना सोहा रहा है कि वो पूरे पैसे देके भी वो पूरी चांदी अपनी एज ए इन्वेस्टर की तौर पे लेके जा रहा है। ऐसा माहौल जब होता है तो थोड़ा अभी या उसके थोड़ा बाद इनको एक बार तेजी लानी पड़ती है, क्योंकि लोगों को उस भाव पे वो चांदी चल रही है, वो कमोडिटी एक्सेप्टेड है, तो चांदी में तेजी बनी जाएगी। सेकेंड हाफ में सिल्वर इंस्टीट्यूट से बिल्कुल सहमत हूं, यहां पे चांदी में एक बहुत अच्छी खरीदारी की जगह है। तो अब ये 70,500 के लेवल पे, जहां पे 70,000 और 70,500 के लेवल के बीच में जहां ट्रेड कर रही है, यहां बाय बनाना चाहिए। 66,000 के स्टॉप लॉस से उसको पूरे साल आप होल्ड करो, आपको कम से कम ₹75,000 का रेट मिल सकता है, और अगर ये रेंज टूटी तो ऊपर में आपको 80,000, और 80,000 टूटा तो बहुत ही एक नए जोन में आ जाएगी जहां पे आपको बहुत अच्छी रिकवरी और बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो यहां पे चांदी बाय ऑन डिप्स करके लेना चाहिए और 66,000 के स्टॉप लॉस के साथ उसको बाय करते रहना चाहिए। ओके, यानी दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि पहली छमाही चांदी के लिए बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला, लेकिन दूसरी छमाही अच्छी रहेगी, जैसा सिल्वर इंस्टीट्यूट की भी रिपोर्ट में कही जा रही है। चिंतन, आपने पूरे साल के लिए तो बता दिया, लेकिन अगर फरवरी और मार्च, फरवरी के जो बचे हुए कुछ दिन हैं वो और मार्च, इन दो महीने में क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल चांदी की रहेगी, यानी शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है, पोजिशनली चांदी आपको कैसी दिख रही है, क्या रेंज ध्यान रखे, कितनी गिरावट आए तो चांदी को खरीद ले और कब निकल जाए, इन दो महीनों के लिए सिर्फ बताइए चिंतन। देखिए, फरवरी और मार्च, फरवरी में जो दिन बचे हुए और मार्च, यानी आप मोटा मोटी 45 डेज 50 डेज की बात कर रहे हो, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जो स्टेटमेंट आ रहे हैं यूएस से, जो यूएस फेड के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, या जो रेड सी वगैरह में जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है, इस दोनों पे वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करेगी। आप देख रहे होंगे कि बार बार फेड बोल रहे हैं कि ये टॉप हो चुका है इंटरेस्ट रेट का, यहां से हम इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ाना नहीं चाह रहे, लेकिन घटेगी कब उसके लिए बहुत सारे वेरिएशन आ रहे हैं कि डेटा डिपेंडेंट रहेगा, उनको और बहुत सारे कंफर्मेशन चाहिए डेटा से, तब जाके वो घटाना चालू कर दे, ताकि वो लोग जल्दी ना कर दे और इन्फ्लेशन का जो उनका टारगेट है नियर टू 2% उसके तरफ वो पहुंचने की शुरुआत कर सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ऑफ नाउ ये बहुत ज्यादा तेजी की तरफ नहीं रहेगी, और ये जब बहुत ज्यादा नीचे आए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल किसी दिन 1,000-1,500 का फॉल आए, तो उस दिन बाय करके उसको ऊपर बेचने और ट्रेडिंग की सलाह रहेगी, तो 68,000 और 70,500 के बीच में उसको बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 66,000, और ऊपर में 72,000 से 75,000 के बीच में अगर मिले, 72,000 और 73,000 रादर के अंदर मिले, तो उसको सेल कर देनी चाहिए। तो ये 45 दिन के लिए ट्रेडिंग के हिसाब से इसको करना चाहिए, होल्डिंग पोजिशन नहीं बनानी चाहिए। अब एक और सवाल चिंतन मेहता जी आपसे होगा, क्या
गोल्ड को आउट परफॉर्म चांदी करेगी या गोल्ड का प्रदर्शन बेहतर रहेगा इस साल के लिए? अगर गोल्ड का नजरिया अगर मैं आपसे जानना चाहूं चिंतन मेहता जी, तो क्या लग रहा है, किस तरह की चाल गोल्ड की आपको दिख रही है? और अगर दोनों एसेट क्लास में गोल्ड या सिल्वर दोनों में से कोई एक को चुनना होगा तो आप किसे प्रेफर करेंगे? कौन आपको ज्यादा स्टेबल कम जोखिम भरा लग रहा है? चिंतन आप बताएं। क्योंकि चांदी है ना, जब भी रैली आती है गोल्ड और सिल्वर में तो हमेशा गोल्ड को आउट परफॉर्म करती है, बट चांदी के अंदर आपको रिट्रेसमेंट भी उतने ही मिलते हैं। जबकि गोल्ड एक बार ऐसा होता है कि वो एक लेवल पकड़ लेता है तो फिर वो बहुत मजबूती की चाल चलता है। तो अगर किसी आज के यहाँ पे जहां पे अपने पास इतनी सारी अनसर्टेनिटीज है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, जहां पे दुनिया भर के अलग अलग रीजन में बहुत सारे वॉर सिचुएशन चल रहे हैं या फिर अनरेस्ट सिचुएशन चल रहे हैं, प्लस इंटरेस्ट रेट के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर हम अनसर्टेन है, तब मैं ऐसा चाहूं, मैं मेरे एंगल से मैं एज ए ट्रेडर ये बोलना चाहूंगा कि हम तो जो करें तो हम गोल्ड के अंदर पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि गोल्ड के अंदर बेशक आपको रिटर्न थोड़े कम मिल सकते हैं चांदी की जगह पे, बट आपका रिस्क भी बहुत कम होता है। तो अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की अगर आप बात करें तो गोल्ड मेक्स अ क्लासिक केस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मुझे यहां पे लग रहा है कि दिसंबर तक ये नया हाई बना सकता है और 2100 अगर ब्रेक करे तो 2200 की तरफ ये चल सकता है, क्योंकि हर चीज उसके फेवर में है। आप अगर देखो तो गोल्ड एज अ करेंसी स्टैंडर्ड का रिसर्जेंस हो रहा है। अगर आप देखो, मैं उसके हिसाब से ये बोलना चाहता हूं कि वर्ल्ड ओवर अगर आप देखो तो सेंट्रल बैंक की बाइंग आपको 2022 और 2023 में पूरी देखने को मिली। ये डॉलर डी डॉलराइजेशन जो हो रहा है उसका ये पार्ट है, जो जहां पे यूएस से जो ये सैंक्शन डाल दिया रशिया और यूक्रेन में, तो हर एक कंट्री को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी असेट जो है वो फ्रीज हो सकते हैं या उनकी करेंसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनको ये डाइवर्सिफाई करना है। तो डी डॉलराइजेशन ने भी गोल्ड को बहुत सपोर्ट दिया है। आपके लिए चाइना ने 2023 में 225 टन गोल्ड परचेस किया, 223 टन गोल्ड परचेस किया हुआ है, तो गोल्ड के अंदर तो बाइंग बनती रहेगी और डाउनवर्ड इंटरेस्ट साइकिल उसके भाव को सपोर्ट करेगा और नए हाई अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो मैं गोल्ड के ऊपर खूब बुलिश हूं और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज मुझे गोल्ड अच्छा लगता है देन सिल्वर, बिकॉज चांदी के अंदर रिट्रेसमेंट बहुत आते हैं और आपको एक बार के लिए वो बहुत डरा सकता है आपकी बाई पोजिशन पे। ओके, यानी आपको सोने में ज्यादा आप बुलिश, आपको लगता है कि सोना बेहतर है निवेश के लिए, क्योंकि यहाँ पे जोखिम भी कम है, स्थिरता भी ज्यादा दिखती है और निवेश के लिए, निवेशकों के लिए ये ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। यानी आपको यहाँ से सोने में ज्यादा गिरावट नहीं दिखती है, 61,500 के आसपास आने पर आप कह रहे हैं कि सोने को खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म में, छोटी अवधि में सोना 63,500 रुपए तक जा सकता है। अगर इसके ऊपर अगर सोना निकलता है 63,500, तो सोने में बड़ी तेजी की भी संभावना आपको लग रही है। ये व्यू मानव मोदी जी का है। चलिए अब शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में यानी मार्च तक के लिए, यानी पहले क्वार्टर के लिए, इस कैलेंडर ईयर के लिए, चिंतन मेहता जी आप बताएं क्या लग रहा है आपको, सोने की चाल किस तरह की लग रही है शॉर्ट टर्म में? देखिए 2010 का एक अच्छा स्पॉट का जो लेवल है, जहां से गोल्ड बार बार सपोर्ट ले रहा है, अगर वो टूटा तो नीचे में 1980 वुड बी अ वेरी गुड बाय। यहां पे बाय ऑन डिप्स की ही मेरी सलाह रहेगी। अगर आप ओआई देखो तो वंस अगेन जो आपका ओआई वो कम तरफ नजर आ रहा है, 410,000 420,000 के बीच में का ओआई रह गया, यानी जब ये नीचे आ रहा है तो उसके अंदर उसको पार्टिसिपेशन नहीं मिल पा रहा है। और अगर आप मैनेज मनी भी देखो सीएमई के ऊपर तो वो 50-52% के बीच में आ गए हैं, तो अभी तक ईटीएफ में बाइंग नहीं आ रही है। बट अब अगर आप देखो तो कॉमेक्स की इन्वेंटरी भी पूरी उठ रही है, उसका मीनिंग क्या है कि वर्ल्ड ओवर इसके अंदर डिमांड है। चाइना के अंदर आज अगर आप एसजीई में देखो तो $50 का प्रीमियम चल रहा था, वो अभी $20 चल रहा है, बट क्योंकि अभी चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है, बट उसका मीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स वुड बी अ बेस्ट आइडिया और 1980 कैन बी अ ग्रेट सपोर्ट। 2010 ही तोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है, बट अगर वो टूटे तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है और 1980 पे आपको वहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओके, यानी आपको लग रहा है कि गिरावट पर सोना खरीदना चाहिए। चिंतन अब आपसे मेरा सवाल ट्रेडर्स के लिहाज से होगा, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या दो चार दिनों के लिए ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए गोल्ड और सिल्वर इन दोनों काउंटर में आप क्या सलाह देंगे, किस तरह की राय बन रही है? ट्रेडर्स, मैंने आप जैसे बताया गोल्ड के अंदर तो बाय ऑन डिप्स ही बनाते रहना चाहिए और उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन को ट्रेड करते रहना चाहिए। अगर आप अगर आपको मिलता है 2010 के करीबन अगर आपको बाय करने को मिलता है तो वहां पे एक पोर्शन बाय करके आप 2040 और 2050 के बीच में उसको आप बेच सकते हो इंटरनेशनल टर्म स्पॉट लेवल पे।
और अगर चांदी है तो चांदी मैं अवॉइड करूंगा अभी एज ऑफ नाउ भाई, यहां से और अगर 1-1.5 हजार रुपए ये टूटती है 68,900, 769,000 के अगर भाव आते हैं तो वहां पे से मैं ट्रेड के लिए उसको बाई बनाऊंगा, क्योंकि ऊपर मैं 72-73 में अगर मैं उसको सेल कर पाऊं। गोल्ड बाय ऑन डिप इमीडिएटली, चांदी वेट होल्ड, इफ इट कम्स डाउन तो वहां पे उसको बाय ऑन डिप्स का पोजीशन बनाना चाहिए। ओके, यानी आपको लग रहा है कि गिरावट पर सोना खरीदे बजाय चांदी के जो ट्रेडर है शॉर्ट टर्म में सोने में ही आपको ज्यादा दम दिख रहा है, ये ट्रेडर्स के लिए सलाह है। यानी आपको लग रहा है कि चांदी इस साल 85,000 से 95,000 रुपए तक जा सकती है। यानी जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं लंबी अवधि के लिए तो चांदी में भी काफी बुलिश है और गोल्ड में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों किसी भी अवधि में आप गोल्ड में यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि स्थिरता ज्यादा रहेगी, जोखिम कम है, इसलिए गोल्ड पर इनका भरोसा ज्यादा है। शुक्रिया चिंतन मेहता आपका और मानो मेहमानों ने गोल्ड और सिल्वर पर अपनी राय रखी। तो इस गोल्ड और सिल्वर पर खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।